सब्सक्राइब कीजिए धे आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अपने आर्ट एंड कल्चर की संगीत यात्रा में हम आज संगीत से जुड़े कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये सुरीले वाद्य यंत्र संगीत को अलग ही स्तर पर पहुंचा देते हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न संगीतों को सुनना और रोचक हो जाता है। आइए इन्हीं कुछ सुरीले वाद्य यंत्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। शहनाई। शहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। शहनाई एक खोखली नली होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के संकरे सिरे पर विशेष प्रकार की पत्तियों और दलदली घासों से डैने के आकार की बनी 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। संतूर। संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा है। संतूर लकड़ी का एक चतुर्भुजाकार बॉक्स नुमा यंत्र होता है, जिसके ऊपर 2-2 मेरू की 15 पंक्तियां होती हैं। इसे आगे से मुड़ी हुई डंडियों से बजाया जाता है। इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। सारंगी। सारंगी मुख्य रूप से गायकी प्रधान वाद्य यंत्र है। राग ध्रुपद, जो गायन पद्धति का सबसे कठिन राग माना जाता है, सारंगी के साथ इसकी तारतम्यता अतुलनीय है। सारंगी अलग अलग प्रकार की होती है। सभी सारंगियों में लोक सारंगी सबसे श्रेष्ठ है। सारंगी का निर्माण लकड़ी से होता है तथा इसका नीचे का भाग बकरे की खाल से मढ़ा जाता है। इसके पेंदे के ऊपरी भाग में सींग की बनी घोड़ी होती है। घोड़ी के छेदों में तार निकालकर किनारे पर लगे चौथे में उन्हें बांध दिया जाता है। इस वाद्य में 29 तार होते हैं तथा मुख्य बाज में 4 तार होते हैं। तबला। आधुनिक काल में गायन, वादन तथा नृत्य की संगति में तबले का प्रयोग होता है। तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, किंतु नवीनतम ऐतिहासिक वर्णन में 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। तबला शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। तबले को बजाने के लिए हथेलियों तथा हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तबले के द्वारा अनेक प्रकार के बोल निकाले जाते हैं। सितार। अमीर खुसरो ने सितार को जन्म दिया। सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम लोकप्रिय किया। सितार बहुआयामी साज होने के साथ ही एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके जरिए भावनाओं को प्रकट किया जाता है। इसके सबसे मशहूर वादकों में पंडित रविशंकर का नाम आता है। मृदंग। यह दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है। मृदंग कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। मृदंग में सोरू की जगह स्याही का प्रयोग किया जाता है। रुद्रवीणा। इसे हिंदुस्तानी संगीत में बजाया जाता है। इसमें एक लंबी नली के आकार की लकड़ी के दोनों सिरों के नीचे सूखे हुए सीतापल के खोखले तुम्बा होते हैं। इसमें मुख्य 4 तार होते हैं, जो खूंटियों से कसे जाते हैं। इसके अलावा 2 और तार होते हैं तथा लकड़ी के बने 24 पर्द होते हैं। इसराज। इसराज एक तरह से सितार और सारंगी का मेल है। इसका ऊपरी भाग सितार से और नीचे का भाग सारंगी की तरह होता है। इसमें 4 मुख्य तरह के 15 से 19 पर्दे होते हैं। इसे भी गज से बजाया जाता है। इसका प्रयोग रवींद्र संगीत में भी होता है। रावण हत्था। इसमें एक छोटा तुम्बा होता है, जिसे नारियल की खप्पर से बनाया जाता है। भोपा लोग जब पाबूजी की फड़ नाम की पारंपरिक गाथा गाते हैं तो इसे बजाया जाता है। सारिंडा। असम और त्रिपुरा के आदिवासी 3 तारों वाला यह वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसका तुम्बा नाशपाती के आकार का होता है। जल तरंग। इसका ज्यादा प्रयोग तो नहीं होता है,
इसे चीनी मिट्टी के कई प्याले से बनाया जाता है जिसमें एक सीमा तक पानी भरा होता है। इसमें पानी की मात्रा और प्यालों के आकार के अनुसार ही स्वर उत्पन्न होता है। मानव व्यक्तित्व का विकास और कला विधाएं, इन कला विधाओं से संबद्धता मनुष्य को एक श्रेष्ठतर इंसान बनाती है, क्योंकि ये कला विधाएं मानव आत्मा को उदात्त बनाती हैं और एक आनंददायक वातावरण का निर्माण करती हैं। इन कलाओं का ज्ञान व अभ्यास व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है, परंतु यह कलाकार की निष्ठा व समर्पण पर निर्भर करता है। इन कलाओं में संलग्न व्यक्ति आत्म संतुलन, आत्म शांति, आत्म नियंत्रण और दूसरों के लिए स्वयं में प्रेम का भाव प्राप्त करता है। उनका कला प्रदर्शन उन्हें आत्मविश्वासी, आत्म नियंत्रित और स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेने वाला बनाता है तथा उनमें नकारात्मक भावनाएं लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि नृत्य, संगीत और नाटक का मूल अर्क हमें दूसरों से प्रेम करने की शिक्षा देता है।